हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टेक विद पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट से आप अपने फ्रेंड्स के लिए या रिलेटिव के लिए किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से आप अपने लिए तो ऑर्डर करते ही रहते होंगे, लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, आपने इससे कुछ प्रोडक्ट मंगाया, जैसे फ्लिपकार्ट से आपने कुछ परचेज करा, जैसे फोन इस पे फोन लिया है, स्मार्ट वॉच लिए, ईयरबड्स लिए, कुछ भी आपने यहाँ से लिया है, तो आपके फ्रेंड्स को या रिलेटिव को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, हमारे लिए भी इसको ऑर्डर कर दीजिए। अब देखिए, ऑर्डर अगर आपके क्या होता है, रिलेटिव आपसे दूर रहते हैं, फ्रेंड्स आपसे किसी दूसरे एड्रेस पर रहता है, तो आप करेंगे क्या, डायरेक्टली उनके एड्रेस पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो कैसे आपको ये करना है, यही हम बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपने ये ईयरबड्स परचेज करे हुए हैं, ये वाले ईयरबड्स आपने ले रखे हैं, और यही आपका जो फ्रेंड है या रिलेटिव है कोई, तो यहाँ पर आप वो बोलता है कि हमारे लिए भी इसको ऑर्डर कर दीजिए। तो कैसे आप इसको ऑर्डर करेंगे, आपको करना क्या है ना, सबसे पहले तो आपको उनका एड्रेस सही सही ले लेना है, मतलब पिन कोड के साथ उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए, उनका एड्रेस बिल्कुल सही सही आपको लेके रख लेना है। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक आपको करना है, देख सकते हैं, बाय नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है, स्किप एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये आ चुका है। अब आपको करना क्या है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो एड्रेस यहाँ पर आएगा, आपका एड्रेस आएगा, क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट कर रखा है पहले से, तो हम क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए, चेंज एड्रेस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर एक नया एड्रेस फिल करना पड़ेगा। अब नया एड्रेस में क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा, तो चलिए एड ए न्यू एड्रेस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, देखिए सबसे पहले तो आपको फुल नेम देना है। अब यहाँ पर फुल नेम क्या देना है, आपको अपने फ्रेंड्स का फुल नेम यहाँ पर देना है, अपना नाम आपको यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि आप ये जो ऑर्डर है ना अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर यहाँ पर दे देना है, फ़ोन नंबर भी अपने फ्रेंड्स का ही आप दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे दें तो आपके पास ही कॉल आएगी, तो आपको करना है कि अपने फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, जिससे कि जो डिलीवरी बॉय होगा ना वो आपके फ्रेंड्स को ही कॉल करे। एक चीज़ यहाँ पर और आती है, ऐड अल्टरनेट फ़ोन नंबर। अब ऐड अल्टरनेट फ़ोन नंबर पे आप अपना नंबर भी दे सकते हैं। अगर देखिए, कभी कभी होता क्या है, जो रिसीव करता है ना ऑर्डर जिस एड्रेस पे, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई पर्सन अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, आपके पास फ़ोन करेगा, मतलब जिस एड्रेस पे वो जाने वाला है ना, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, या बाई चांस कभी नेटवर्क नहीं आता है या फ़ोन नहीं लगता है जिसके लिए आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो आपको फ़ोन कर सकता है और आप उसको किसी तरीके से भी बता सकते हैं, अगर आपका यहाँ पर नंबर है, या वो अपने एड्रेस नंबर पर आप किसी उनके फादर का या सिस्टर का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब एक दूसरा नंबर भी आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद पिन कोड आपको लेना है, देखिए पिन कोड उनसे पूछ लीजिए और सही से पिन कोड यहाँ पर फिल कर दीजिए, क्योंकि इसी से क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट आपके देखिए जो नियर बाई लोकेशन होती है उसके पास जाता है। अब यहाँ पर स्टेट आपको देना है और यहाँ पर सिटी भी आपको दे देनी है। उसके बाद सिंपल आपको हाउस नंबर और बिल्डिंग नेम दे देना है, रोड यहाँ पर ये दे देना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर लेना है सही सही से। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो आती है, अगर ये चीज़ आप अगर फिल करते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से ऑर्डर आपके फ्रेंड तक पहुँच जाता है, एट नियर बाई फेमस शॉप मॉल एंड लैंडमार्क, मतलब यहाँ पर आपको एक लैंडमार्क देना होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपके फ्रेंड्स के जो घर है ना, जो एड्रेस है आपके फ्रेंड्स का, उसके आसपास कोई फेमस पेट्रोल पंप है, जैसे कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, या किसी की कोई फेमस शॉप है, तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर दे देना है, जिसको सबको जानते हैं, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय होता है वो लोकली होते हैं, तो आसानी से उस एड्रेस पर पहुँच जाते हैं। अगर देखिए वहाँ वो पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से वो कॉल आपके फ्रेंड्स को करेंगे कि सर आपका प्रोडक्ट है हमारे पास, आप इसको रिसीव कर लीजिए, तो आसानी से आपका फ्रेंड आपका जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर कराना है वो आसानी से रिसीव कर सकता है। उसके बाद सिंपल आपको होम का एड्रेस या वर्क का एड्रेस यहाँ पर दे देना है और सेव एड्रेस पर क्लिक आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, डिलीवरी हेयर पे आपको क्लिक कर लेना है। डिलीवरी हेयर पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, कितने रुपए का आपका बड़ा है, सब पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू आपको कर लेना है। कंटिन्यू आप करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर जब आएगा तो करेंगे क्या, यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाते हैं। अब आपको देखिए, अगर जो आपका फ्रेंड या रिलेटिव, उनसे आप पूछ लीजिए कि हम आपका जो प्रोडक्ट जो इसका पेमेंट करेंगे ऑनलाइन कर दें या कैश ऑन डिलीवरी करें। कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो होगा क्या, जब वो उनके पास रिसीव होगा तो वो आसानी से कैश देके अपना ऑर्डर क्या होगा रिसीव कर पाएंगे। अगर आप यहाँ से पहले से क्या करते हैं इसका पेमेंट कर देते हैं, तो वहाँ से क्या होगा, वो कैश ऑन डिलीवरी वहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली उनके पास रिसीव उनका ऑर्डर हो जाएगा और बाद में आपके पैसे आप फ्रेंड से या रिलेटिव से ले लीजिएगा। तो दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब वो करना क्या है, यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं इसका पेमेंट, तो आप अपने ATM कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, जैसे गूगल पे फोन पे ATM से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ATM कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो अगर आप बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी आपको करना है, तो कैश ऑन डिलीवरी आप क्लिक करिए और यहाँ पर डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर जैसे आप करेंगे, तो आपका जो ऑर्डर है आपके फ्रेंड्स के लिए प्लेस हो जाएगा और कुछ दिन में, 4 या 5 दिन में वो आपके फ्रेंड्स के या रिलेटिव के एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए या रिलेटिव के लिए ऑर्डर कर सकते हैं उनके एड्रेस में डायरेक्टली। तो दोस्तों,
वीडियो अगर पसंद आए और आपको पता चल गया हो कि आपको ऑर्डर किस तरीके से करना है डायरेक्टली अपने फ्रेंड से रिलेटिव के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलते हैं यूट्यूब रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई वीडियो हर रोज। चलो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द इजी टेक विद पंकज में।